हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम कोई भी नंबर जो होता है ना, उसमें कैसे एक काउंटर सिस्टम डाल सकते हैं। मतलब जैसे कि सपोज कि आपके स्क्रीन के सामने 500 लिखा हुआ है, ठीक है, 500 एक नंबर लिखा हुआ है। अब चाहते हैं कि जैसे पेज रीलोड हो तो जो 0 से लेकर 500 तक जाए, जैसे कि ये एक एनिमेशन जैसा लगे, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ये पेज में जो जान डाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एक प्लगइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंटर जीएस नाम का एक प्लगइन है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत आसानी यूज़ करना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलते हैं। पहला बात ये कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नॉट मतलब 90% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, ठीक है। बस 10% लोग ये जो सब्सक्राइब किए, ऐसा मत करिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, इस पेज को करते बंद। और दूसरा बात ये कि अगर खुद को कस्टम वेबसाइट बनाना चाहता है, ठीक है, तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे राइट आके मैसेज करिए, ये रहा मेरा प्रोफाइल का, ये प्रोफाइल का यूजर नेम, आप जाके डिस्क्रिप्शन से भी मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, तो उस पेज को भी करते हैं। ये रहा हमारा पेज, जो कि मैंने हमेशा की तरह पहले से थोड़ा मोड़ा कोडिंग कर लिया, जैसे कि कलर क्या होना चाहिए, विड्थ हाइट, और इसको फ्लेक्स कर दिया ताकि मेरा सारा का सारा आइटम जो एकदम सेंटर में आए। तो यहाँ पे मैं इस जगह जाके स्टार्टिंग करता हूँ कोडिंग आज का। तो यहाँ मैं क्या काम करूँगा, पहले एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर एक रैपर क्लास नाम से एक डिप बनाते हैं, रैपर क्लास से WRAPPER, और इसको करेंगे सिंपली एक यहाँ पे स्टाइल के लिए, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं रैपर WRAPPER। यहाँ बेसिकली मैं एक CSS और HTML करके एक नंबर जैसा सिस्टम बना देता हूँ, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो आप लोग इसे जाए तो स्किप कर सकते हैं। तो पैडिंग दे देते हैं इसका कितना, 20 पिक्सल का, और इसका मैं बैकग्राउंड दूंगा वाइट, और बॉर्डर रेडियस होगा इसका कितना, 3 पिक्सल का। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मुझे आदत हो गया रिफ्रेश करने का बार बार। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम लोग 4 डिव बनाएंगे, मतलब 4 वो काउंटर वाला डिव मैं चाहूँगा बनाना है यहाँ पे डिव। और डिव के अंदर एक क्लास रखते हैं यूट्यूब नाम का, क्योंकि इसमें मेरा यूट्यूब वाला अकाउंट मैं रखूँगा। यहाँ पर मैं सिंपली ना वाई रख देता हूँ, इतना बड़े बड़े क्लास मुझे हैंडल करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली वाई लिखा, और वाई का एक मिनिमम हाइट देंगे, पर उससे पहले मैं एम को कॉपी कर लेता हूँ हमेशा की तरह। तो यहाँ पर एक मिनिमम विड्थ होगा, हाइट नहीं, मिनिमम विड्थ कितना रखें, मिनिमम विड्थ रखते हैं 100 पिक्सल का, और इसका हाइट भी सिंपली उतना ही रख देते हैं 100 पिक्सल। देखते हैं बॉर्डर डाल के कि आ रहा है कि नहीं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है ये आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये एकदम परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग यूट्यूब वाला आइकन दे देंगे, यहाँ पे एक काउंटर नंबर दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत छोटा लग रहा है, उसके लिए इसको 150 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अब ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और एक काम करेंगे इसको ये कि अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, वैसे इसका ज़रूरत है नहीं। और एक काम करेंगे इसका ये कि इसका जो है ना फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन। इससे क्या होगा कि एक आइटम ऊपर आएगा एक नीचे आएगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से। तो यहाँ पर मैं सिंपली डालूँगा पहले SVG इमेज, तो उसके लिए मैं IMG लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखते हैं Y.SVG, और एक क्लास डाल देते हैं इसका SVG करके, और नीचे एक डालेंगे H1, और H1 में मैं एक डालूंगा पहले एक B मतलब फॉन्ट बोल्ड करने के लिए होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिंपली मेरा कितना सब्सक्राइब है, 188 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, भर जाएगा ये फिर। और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली स्पैन, और स्पैन में डाल देते हैं एक प्लस, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई प्लस है, ठीक है, देखिए 188 प्लस है। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो Y.SVG है ना, वो शायद लोड नहीं हुआ ठीक से, तो यहाँ पे मैंने YT डाला हुआ था, तो YT.SVG डाला, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, पर ये जो है बहुत नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे अलाइन आइटम जो है ना जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर, अब एकदम सेंटर में आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो सेंटर में आना, यूट्यूब वाला जो लोग उसको बड़ा कर देते हैं, बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए मैंने उस पर क्लास दे रखा था पहले से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उसे हाइट चेंज करना था। उसका विड्थ डाल देते हैं इस बार इसका 100 पिक्सल, हाइट डालते हैं 100 पिक्सल, अच्छे से आएगा यहाँ तक मुझे लगता है ये। तो यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे इसका जो है ना ये वाला H1, इसका इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, इसका कलर देते हैं व्हाइट नहीं ब्लैक ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पहले से ही वो है, ठीक है। फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं इसका, फॉन्ट साइज कर देते हैं 27 पिक्सल का, इसका बॉर्डर हटा देते हैं, डॉट वाई को जो मैंने बॉर्डर डाल रखा था वो हटाते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश किया, यहाँ कुछ इस तरीके से फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा स्टाइलिंग पे नहीं जाऊँगा मैं। और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे 3 क्लास और ऐड करेंगे, एक ट्विटर के लिए, एक इंस्टाग्राम के लिए, और एक फेसबुक के लिए। और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, उस इसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। रैपर को शायद मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया था, किया था नहीं,
रैपर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारा का सारा आइटम जो है ना सेंटर में, ना कि साइड, ना कि नीचे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं इंस्टाग्राम, यहाँ पे करते हैं फेसबुक, और यहाँ पे करते हैं ट्विटर, और यहाँ पे आई मैंने डाल रखा है। अगर मैं फोल्डर दिखाऊँ तो यहाँ पे सारा का सारा जो है ना स्पीच इमेज मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे फेसबुक डाल देते हैं, यहाँ पे ट्विटर डाल देते हैं। ट्विटर में इंस्टाग्राम में मेरे कितने फॉलोवर हैं मुझे खुद याद नहीं है, हाँ 43 है, उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पता नहीं 15 लिख देता हूँ, मुझे यहाँ पे मैं खोलता नहीं ज़्यादा। ट्विटर पे मेरे कुछ 3 हैं, हंसने की बात नहीं है पर कोई बात नहीं। यहाँ पे पेज को किया रिफ्रेश, तो यहाँ कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्ट। पर यहाँ जो नहीं, सबको थोड़ा मार्जिन में टॉप दे देता हूँ, थोड़ा टॉप से घिसका देता हूँ H1 को, M को करते हैं कॉपी, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल डाल देते हैं। तो यहाँ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली जो है इसमें प्लगइन ऐड करेंगे। सब सिंपली आप देखिए काउंटर js लिखिए, काउंटर js github। मैं पूरा जो कोड है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चिंता की बात है नहीं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे इसको खोला इस पेज को, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पूरा लिखा है। आप ये तो पूरा डेमो जो ना डेमो डाउनलोड कर सकते हैं ये कोड पे जाके डाउनलोड जिप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक वेब पॉइंट करके एक इन्होंने डाल रखा है, उसे को एक वेब पॉइंट नाम का एक लाइब्रेरी है, ठीक है, jQuery की लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, आपको उसके पहले इंक्लूड करना है। तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर जाकर सिंपली करते हैं पेस्ट इसको। और एक बात ये कि आपको ना जावा jQuery का जो CDN है ना आपके पास होना ही चाहिए ये। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने एक खुद से एक लाइब्रेरी को बना रखा है, ठीक है, काउंटर js नाम का। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली जाइए किस पे, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए पूरा उन्होंने कोड दे रखा है, यहाँ पे रॉ पे क्लिक करता हूँ मैं और सिंपली इसको कॉपी करके ना डाल देते हैं फोल्डर में गए, यहाँ पे काउंटर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली इसका नाम जो चेंज करके लिख देते हैं काउंटर.js। पेज को गए यहाँ पे सिंपली इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पे सोर्स होगा src counter.js। एक काम करता हूँ यहाँ पे जो मैं सिंपली कंसोल खोल लेता हूँ ताकि मुझे अगर कोई एरर मिले तो मुझे समझ में आए कि हाँ एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको कंसोल खोल लिए, कंसोल में फिलहाल मुझे एक एरर दिख रहा है, n is not defined, ये वेब पॉइंट का एरर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं एरर सॉल्व होता है कि नहीं, तो मैं डेमो को डाउनलोड करूँगा फिर से। तो यहाँ पे मुझे गया, यहाँ पे सिंपली इन्होंने डाल रखा है काउंट, सिंपली आपको जो है ना इस पर क्लिक, इसको नहीं, इसको कॉपी करिए ताकि मैं पेरीमीटर डाल सकूँ इसमें। तो यहाँ गए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट पहले ना अपना जो मेरा जावा स्क्रिप्ट उसको ऐड करने के लिए ना यहाँ पे इसको बेसिकली पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एक अपना एक जो है ना jQuery का काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट को रेडी करना पड़ता है, documentt document.ready, फंक्शन, हमारा इतना काम हो गया। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं और सिंपली जाके इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये वाला डॉट काउंटर को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे .c लिख दूँ तो भी हो, या फिर आप कोई भी कोई आईडी डाल सकते हैं, कोई क्लास डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए क्लास, आईडी लिखना है तो यहाँ पे हैशटैग होगा, ठीक है, देखते हैं रिफ्रेश करके काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये काम नहीं किया, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या है, t.web, ये सारा का सारा जो एरर आ रहा है वो वेब पॉइंट में आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ इस वेब पॉइंट को ना नीचे डाल के देखता हूँ ताकि मेरा एरर हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो यहाँ मैं इसको किया कंट्रोल x और नीचे जाके बॉडी में पेस्ट, देखते हैं एरर सॉल्व होता है कि नहीं, मुझे इसे रिफ्रेश करना है। तो फिर से वही एरर, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा एरर आ गया है। दोस्तों शायद मेरे ब्राउज़र में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए शायद वो ठीक से चल नहीं रहा था, ठीक है। अभी देखिए मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो एकदम इसका जो काउंट है एकदम भरा, अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ तो कोड एकदम 100% वही का वही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने jQuery का जो CDN था उसे ऐड किया है, फिर वे पॉइंट्स का जो CDN था उसे ऐड किया है, फिर मेरा counter.js जो कि मेरा फाइल था उसे मैंने ऐड किया हुआ है, ये देखिए counter.js इसे मैंने ऐड करके रखा हुआ है,
और सिंपली मैंने उस जो जावास्क्रिप्ट का कोड था उसको यहाँ पर लिखा और ये मेरा काम करने लगा, ठीक है। और कोई यहाँ पे और कोड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला जो इसका क्लास था मैंने सी डाल रखा था, यहाँ पे सी जो कि 188 था, यहाँ पे भी वो सेम है, ठीक है। क्या मैं क्या करता हूँ, सबका जो क्लास है ना उसको सी कर देते हैं, सी इसका भी क्लास कर देते हैं सी, क्लास सी, और यहाँ पे मैं इसका भूल गया क्लास सी। ये जो करते हैं रिफ्रेश, देखिए अभी सबका सबका जो काउंटर एकदम बढ़ेगा, देखिए, ठीक है। देखिए कितना आसानी से सबका 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 जो काउंट है वो बढ़ रहा है। इसको काउंट को थोड़ा टाइम लगाने के लिए अब क्या करनी, इसका 1000 का मतलब है एक हज़ार का मतलब एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ तो थोड़ा सा और डिले होगा टाइम, देखिए और टाइम थोड़ा डिले हो रहा है। और इसको 3 कर दे तो और जो है टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा, ठीक है। मतलब उतना टाइम में इसको खत्म करना है, 3 सेकेंड में पूरा पूरा काम खत्म करना है इसको। देखिए इस तरीके से सारा का सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आसानी से आप काउंटर अब जैसा सिस्टम बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।